हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। कैसे बना सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम करीब पालक ली हुई है, पालक के पत्ते लिए हुए हैं और इसकी जो मोटी वाली डंडी होती है उसे मैंने तोड़ दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, अगर आपको मोटी डंडी है अगर आपकी पालक में तो उसको आप तोड़ दीजिए। ये देखिए जो मोटी मोटी डंडियां हो उनको आपको तोड़कर अलग कर देना है और थोड़ी आपको स्टेम रहने देना है, क्योंकि थोड़ी जो स्टेम होती है वो अच्छी लगती है। ये देखिए ये जो स्टेम है बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, तो इसको आप रहने दें। और इन पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश करके इसको हमें स्टीम करना है। तो इनको हम एक बर्तन में इस तरह से ऐड कर देंगे। तो साफ धुले पत्ते मैंने लिए हैं और ये देखिए एक भगोने में मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, लगभग हाफ कप, और इसको ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर इसको कुक होने देंगे। ये देखिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पत्ते हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और इसको मिक्सी के जार में डालकर हम पीस लेंगे। इसकी प्योरे बनाना है हमें। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं पीस रही हूँ और मैंने इसमें ठंडे पानी का यूज किया है ताकि जो हमारी प्योरी है हरी हरी बने। तो ये देखिए हमारी पालक की प्यूरी बनकर रेडी है। इसको हम साइड में रख देते हैं और इससे बनाना शुरू करते हैं पालक की सब्जी। तो पालक की सब्जी बनाने के लिए देखिए मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें आप ऐड करें 1/2 टीस्पून के करीब राई। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें ये देखिए क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा ऐड करेंगे। अच्छे से जब दोनों चीज़ें स्प्लटर हो जाएंगी तब इसमें आप ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी लहसुन, ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए, जिसको सभी को मैंने बारीक बारीक काटा है। सभी को हमें सॉटे करना है। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस होती है। आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इस फॉर्म में जब भी मैं उनको खिलाती हूँ ये सब्जी, पर जब भी बनाती हूँ तो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें अब ऐड कर दिया 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक काटा था। तो ये देखिए प्याज को भी हमें भूनना है। मेरे कहने से आप एक बार इस सब्जी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी है मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये एक्चुअली आलू पालक की सब्जी बहुत पसंद है। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप पालक खा रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हमारी जो प्याज है वो जो मेरे बीच हम इसमें पत्ता ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बेलीफ बोलते हैं, तो एक तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए प्याज हल्की सी कलर दे चुकी है, हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को ग्रेट करके ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था वो मैंने ऐड किया है। आप सिंपली मिक्सी में चलाकर भी, प्योरे बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारा कुक हो रहा है, तो इसी बीच हम इसमें रेड चिली पाउडर, इसके साथ ही धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। लगभग 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही आप इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दीजिए, 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, तो 1/4 चम्मच से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक भी ऐड कर दीजिए इसमें, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार या फिर जितनी क्वांटिटी आपने ली है आलू और पालक की, उस हिसाब से आप ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे भी हमें कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ये देखिए अच्छे से टमाटर का पेस्ट पक चुका है, इसने ऑयल को सेपरेट कर दिया है, ये इसकी पहचान है कि देखिए टमाटर प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। तो अब फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने एक टमाटर लिया था मीडियम साइज का, जिसको छोटा छोटा काटा है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए अब मैंने एक आलू लिया था, एक मीडियम साइज से बड़े साइज का आलू मैंने लिया था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा नहीं था, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हाथों से मैश कर लिया था, तो वो मैंने ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर और आलू को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कवर कर दीजिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कवर करने के बाद में ये देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर की प्यूरे ऐड कर दी है। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद में अच्छे से प्यूरे को हमें मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। आप देख सकते हैं अभी पालक काफी हरी हरी है, पर जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं चेंज इन कलर। ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है।
तो आप चाहें तो इस सब्जी को बिल्कुल ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। बस इसमें आप हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर दीजिए, और गरम मसाला ना डालना चाहे तो कोई भी सब्जी मसाला, गोल्डी का मसाला, मैगी मसाला, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए, और अब इसको हम कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। एक बार हम वापस से मिक्स करेंगे इसको। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ लेमन जूस। तो यहाँ पर देखिए, खटास के लिए मैं आधा ही नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वापस से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी आलू पालक की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको ऐसे ही चाहें तो ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके लिए एक तड़का बना सकते हैं। अगर आप इसको ढाबा स्टाइल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, थोड़ा सा आप ले लीजिए सरसों का तेल। एक पैन में सरसों का तेल लिया है मैंने, लगभग 2 चम्मच के करीब है। अच्छे से इसको हीट कर लीजिए, और इसके बाद में इसमें 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे जीरा। तो सबसे पहले तेल अच्छे से गर्म हो जाए, ये देखिए जीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें। तो ये तड़का बस हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको आप आलू पालक पर ऐड कर दीजिए, और आलू पालक हमारे बनकर बिल्कुल रेडी है, एकदम ढाबा स्टाइल। आप इसको एंजॉय कीजिए। तो आप इसको रोटी के साथ, प्लेन राइस के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है रेसिपी। आप इसको घर में बनाइए, ट्राई कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर दिया है, जिससे ये देखने और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइए घर में ये आलू पालक की सब्जी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।